उत्तर प्रदेश की शारदीय नवरात्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला अपराध को लेकर कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा जो महिला अपराधों के आदतन अपराधी हैं। उन्हें संभलने के लिए वक्त बहुत मिल चुका है, अगर अब भी वो नहीं चेत पाए तो बड़ा एक्शन होगा। वहीं वाराणसी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली माध्यम से मिशन शक्ति का आगाज किया। इस मौके पर शिलांग से बाइक वाराणसी बाइक से पहुंची सीआरपीएफ महिला बटालियन और बाइकर्स ने रैली निकाली। वहीं सीएम योगी ने तीन महिला विशिष्ट अतिथियों पद्मश्री हेमा प्रभा सूतिया, इसरो वैज्ञानिक ऋतु करिधल श्रीवास्तव, HCL की CEO रोशनी नडार को समेत 25 महिलाओं को सम्मानित किया है। इस रैली के शुभारंभ के माध्यम से जन जागरूकता का एक अभियान और इसके बाद इसी के साथ ही पूरे प्रदेश भर में रैलियां निकलेंगी। प्रदेश भर में रैली निकलने के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में भी प्रभात फेरियां होंगी, इससे जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम होंगे। लेकिन कल से एक पक्ष जागरूकता का होगा, उन समस्याओं के समाधान का होगा, लेकिन दूसरी ओर कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दिशा से रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है।